चार दिन पहले अमीर बेटी ने वॉइस मैसेज किया था कि अम्मी मैं लेने के लिए आ रहा हूँ अपनी बीवी को, तो मैंने कहा थोड़ा हमें सोचने का टाइम, चार दिन बाद डेट कोर्ट में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वजह जरूर अल्लाह पे भरोसा है, वजह जरूर मालूम होगी इंशाल्लाह। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम के मामले में दानिया शाह ने केस में फरीक बनने के लिए कराची में वकील की खिदमात हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दानिया शाह के वकील ने अदालत से डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि दानिया शाह आमिर लियाकत की इकलौती बेवा हैं। आमिर लियाकत की मौत की वजह सामने आना बहुत ज़रूरी है। समाअत के दौरान दानिया शाह की वालदा रोस्टम पे आईं और अदालत से कहा कि आमिर लियाकत बड़ी शख्सियत हैं, बीवी को हक है कि वो आमिर लियाकत की मौत की वजह मालूम कर सके। अदालत ने दानिया शाह की वालदा को खामोश करा दिया। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी मेरे बेटे आमिर लियाकत की सर, और ये जरूरी है उसके लिए अचानक मौत होना, उसका जानना जरूरी है कि कैसे वो 1 बजे इस्लामाबाद जा रहे हैं और 10 मिनट बाद कहते हैं कि वो फोटो गए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कढ़ोरा ने पूछा कि पोस्टमार्टम करने पर कौन एतराज़ कर रहा है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के खिलाफ बेटे और बेटी ने दरख्वास्त दायर की है। ज़िया अवान एडवोकेट ने मौकफ अपनाया कि दानिया शाह की वजह से आमिर लियाकत परेशान थे। दानिया शाह ने आमिर लियाकत की वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिक की। अदालत ने पूछा कि सरकारी वकील क्या कहते हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि पुलिस ने आमिर लियाकत की मौत की असल वजह नहीं लिखी। अदालत ने कहा कि हम सबको सुनकर फैसला देंगे, हम दरख्वास्त गुजार के वकील को भी पूरा मौका देंगे। अदालत को मुतमईन करें, आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को तैयारी के साथ पेश होने की हदायत करते हुए मजीद समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आमिर लियाकत के तो बच्चे तो ये कहते हैं कि दानिया ही वजह है, दानिया की वजह से मौत हुई है। नहीं, दानिया क्या कहती है? कोई दानिया की वजह से नहीं हुई, ये सब प्रॉपर्टी कंट्रोल हो रही है और हमारी सुलह हो रही है।